देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तराखंड के मानसून के सीजन ने अभी अपने 20 दिन का सफर भी पूरा नहीं किया कि इस आधे माह में ही प्रदेश में बारिश ने कोहराम मचा दिया है, जिससे प्रदेश में हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पौड़ी जनपद में अब तक इस बरसाती सीजन में इस साल 4 लोग अपनी जान मूसलाधार बारिश के चलते गंवा चुके हैं, जिसमें 3 लोग कोटद्वार के हैं जो बरसात से घर में घुसे पानी से करंट की चपेट में आने से मौत के आगोश में समा चुके हैं, जबकि एक बालिका जो कि थली सैंड क्षेत्र की है वो भी बरसात का खामियाजा भुगत चुकी है। वहीं बारिश से जनपद पौड़ी की सड़कें हर दिन अवरुद्ध हो रही हैं। बीती शाम को पौड़ी में ही 31 mm की बारिश दर्ज हुई है, जिसमें 13 सड़कें बंद हो गई, जिनमें 2 ग्रामीण सड़कें अब तक लोक निर्माण विभाग खोल चुका है, जबकि 11 मार्ग अब भी बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि बारिश भी इन मार्गों को अवरुद्ध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बंद सड़कों के कारण दमदेवल गडरी मोटर मार्ग समेत कई गांवों के संपर्क मार्ग अब भी बाधित हैं, जबकि बरसात से शहर की सड़कें जलमग्न है। नदी नाले भी पौड़ी जनपद में उफान पर है। 11 ग्रामीण रोड बंद है, एक स्टेट हाईवे हमारा बंद था लेकिन वो हमारा खोल दिया गया है, और बाकी ग्रामीण जो हमारे 11 रोड बंद है उस पर भी JCB लगातार कार्य कर रही है, तो होपफुली वो 1 बजे तक, दोपहर में 1 बजे तक आज खुल जाएंगे सारे ग्रामीण। अभी ऐसा हमारे पास अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि जो है कोई पुल डैमेज हुआ हो या कोई भी हाउस डैमेज हुए हो, लेकिन जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तत्काल हम लोग जो है तहसील के, जिस भी तहसील के अंतर्गत पड़ती है, वहाँ से तहसीलदार या राजस्व उप निरीक्षक को मौके घटनास्थल पर भेजते हैं, तो उनके साथ जो मुआयना करते हैं, वो जांच रिपोर्ट मंगाते हैं, तो उसके आधार पर तत्काल उनको जो है पेमेंट यहाँ से रिलीज करा दी जाती है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में जो हमारा ये है विश्व वाला मानसून सीजन 2019 का, इसमें हमारी 4 कैजुअलिटी भी टोटल हुई हैं, 3 हमारी कोटद्वार में हुई थी और 1 हमारी थलीसैंड में।